और अब हम सीधे रुख करेंगे कुछ तस्वीरों का। ये तस्वीरें ठाकुर द्वारा की, मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा की। बैलेट पेपर के साथ नोट निकले हैं, बैलेट पेपर के साथ नोट निकले हैं, जिससे वहां पर एक सनसनी मच गई है कि आखिर कैसे हुआ। आप देख सकते हैं 10 रुपए के नोट भी हैं यहां पर। और ठाकुर द्वारा तस्वीर आपके सामने, मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा 10-10 रुपए के नोट जो हैं बैलेट पेपर्स के साथ में मिले हैं। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता, जो कि मुरादाबाद में, मामला क्या है उबैदुर? अभी सर, अभी तक भाजपा लगातार आगे चल रही है, 13 राउंड हो चुके हैं, टोटल 23 राउंड होने हैं। 70,528 वोट भाजपा के विनोद अग्रवाल को अभी तक मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर लाखन सिंह सैनी है बहुजन समाज पार्टी के, जिनको 28,467 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के आज यूसुफ अंसारी हैं, इनको 22,777 वोट मिले हैं। जी। और चौथे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, जिसको 21,000। उबैदुर, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था कि ये नोट वाला मामला क्या है, ये मामला क्या है, अगर आप संक्षिप्त। ये ठाकुर द्वारा जो नगर पालिका है, ठाकुर द्वारा नगर पालिका में कुछ जो काउंटिंग के दौरान बैलेट पेपर निकल रहे हैं उनपे नोट स्टेपल हुए हैं, और वो बैलेट पेपर जो है बीजेपी उम्मीदवार के हैं। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी ने पर आरोप लगाया जा रहा है कि इतने पैसा बांटा है, नोटों का दुरुपयोग किया गया है चुनाव के अंदर, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो करारा हमला यहाँ पर विपक्ष का। जल्दी से जाते हैं कि साहब, देखिए आरोप लग रहा है बीजेपी ने बाकायदा बैलेट पेपर के साथ नोट चिपका के भेजे हुए। देखिए समाजवादी पार्टी से, ये जो आरोप है ये निराधार बिल्कुल भी नहीं है। आपको ललितपुर में आपको पता होगा कि जो बैलेट पेपर शुरू हुई थी वहाँ कई चीजों पे पहले से ही भाजपा का ठप्पा लगा हुआ था, डीएम उसकी जांच भी करा रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि निराधार चीजें लग रही है। शुक्ला जी, आप जनता का वाकई बहुत ख्याल रखते हैं, अगर इस आरोप की मैं कुछ सही मानूं तो। बैलेट पेपर जनता डालती है, अनिल जी को पता होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, इस चुनाव में हुआ भैया, ललितपुर में लगा हुआ ठप्पा लगा हुआ भाजपा का निशान लगा दिया, तो या तो इलेक्शन कमीशन आपके फेवर में थे या प्रशासनिक अधिकारी। 2012 के बाद से, जब से अखिलेश यादव जी के पास कमान आई है, नगर निगम, लोकसभा, विधानसभा में समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, और उनके नेतृत्व में जब भी चुनाव होगा, चूंकि उन्होंने जो 5 साल मथुरा में 1.5 लाख वोटर ने वोट ही नहीं डाला, और ये कह रहे हैं अखिलेश जी की बात है। अखिलेश जी क्या करेंगे, आप नाम निकलवा रहे हैं लोगों के। ये है ABP News, आपको रखे आगे।